नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम विभिन्न माप प्रणाली के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि पैटर्न बनाना एक कला है जिसमें किसी विशेष डिजाइन का कागज में पैटर्न बनाया जाता है। जिस कपड़े में हमें वस्त्र बनाना है उस कपड़े को समतल स्थान में रखते हैं और उसके ऊपर पैटर्न को रखकर कपड़े की कटाई करते हैं। पैटर्न को मानव आकृति एवं वक्रों के अनुसार बदला जा सकता है, उसके अनुसार कपड़े की कटाई की जाती है और इसके द्वारा डिफरेंट साइज के कपड़े हम बनाते हैं। पैटर्न में हम चेंज करके डिफरेंट साइजेस के गारमेंट्स को स्टिच कर सकते हैं। जो गारमेंट की स्टिचिंग होती है वो एक पर्टिकुलर साइज में होती है। जो ये साइज होते हैं जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या हम नंबरिंग सिस्टम के बारे में बातचीत करें तो उसमें जैसे 10 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 30 नंबर, 32 साइज है, 34 साइज है, ये हो सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि परिधान के साइज को लेबल करने के लिए बाजार में कौन कौन से सिस्टम अपनाए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं बाजार में दो प्रकार के मानक माप प्रणाली है, जिसमें पहले हमारी है अक्षर माप प्रणाली, इसको हम लेटर साइजिंग सिस्टम बोलते हैं। अंग्रेजी अक्षर जैसे कि SML, S जो है स्टैंड करता है स्मॉल के लिए, M मीडियम, L लार्ज और XL, XL फॉर XL साइज आदि का प्रयोग सार्वभौमिक है। इसके अतिरिक्त ABCD आदि अक्षर का प्रयोग भी माप प्रणाली में किया जाता है। यह लेबलिंग का एक अधिक सामान्य तरीका है और यह आमतौर पर चुस्त वस्त्रों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। दूसरा सिस्टम हमारा कौन सा होता है? न्यूमेरिकल साइज सिस्टम, जिसको हम संख्यात्मक माप प्रणाली बोलते हैं। परिधान के साइज को लेबल करने के लिए यह प्रणाली एक अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से संबंधित है। अधिक फिटिंग वाले परिधानों की साइज लेबलिंग के लिए यह माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक साइज लेबलिंग विभिन्न प्रणाली का अनुसरण करता है। यूरोप में संख्यात्मक प्रणाली वास्तविक माप और साइज संख्याओं से संबंधित है, जैसे कि 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 etc. तो ये डिफरेंट साइजिंग सिस्टम है जिसमें कि किसी में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम लेटर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारे गारमेंट्स होते हैं जिस पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं, ये हमारे फिटेड गारमेंट्स होते हैं। इनमें हमारे कपड़े में जो ईज भी होती है बहुत मिनिमम होती, खाली वेयरिंग ईज होती है। जो हमारे अंदर मार्जिन हम छोड़ते हैं कपड़े का वो भी नहीं छोटा होता है। ये टोटली फिटेड कपड़े होते हैं। सपोज किसी का 32 बस साइज है, अगर 32 साइज का लेगा टोटली फिटेड होगा। अगर 34 साइज का लेगा तो थोड़ा बहुत उसमें ईज होगी, जो जितने का उसमें डिफरेंस होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में साइज प्रणाली में साइज आमतौर पर 0 से शुरू होता है और 2, 4, 6, 8 आदि के साथ जारी रहता है। और UK में माप प्रणाली आमतौर पर साइज 8 से शुरू होती है और 10, 12, 14, 16 एसेट्टा के साथ जारी रहती है। तो दोनों जगह न्यूमेरिकल सिस्टम का यूज़ हो रहा है, लेकिन जो अमेरिका में है वो 0 से स्टार्ट होता है और वहीं UK में जो है वो 8 से स्टार्ट होता है। UK में जो हमारी साइज प्रणाली है वो 8 नंबर से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं मानक माप वर्गीकरण के बारे में। संख्यात्मक माप प्रणाली के लिए सामान्य मानक माप वर्गीकरण क्या है? हम कैसे साइज सिस्टम का डिफरेंस होता है और कैसे हम इसको नंबर देते हैं? सपोज जैसे कोई साइज है 0 से 10 के बीच में, तो बस्ट, कमर और कूल्हे की जो परिधि माप होगी वो 2.5 सेंटीमीटर के अंतराल में होगी। और वहीं पे जो हमारा साइज अगर 10 से ऊपर है तो उसमें बस्ट, कमर और कूल्हे की जो हमारा सगम फ्रेंस है उसमें डिफरेंस कितना होता है? 3.9 सेंटीमीटर का होता है, मीन्स 1.5 इंचेस का अंतराल होगा। सपोज अगर हमारा 32 बस्ट है तो जो हमारा जो हमारे वेस्ट की नाप होगी उसमें डिफरेंस कितने का होगा? अगर वो 0 से 10 के बीच में है तो 1 इंचेस का होगा। वहीं पे अगर वो साइज हमारा 10 से ऊपर का है तो हमारा जो डिफरेंस वो होगा वो कितने का? 1.5 इंचेस का होगा। जो अक्षर माप प्रणाली के लिए सामान्यतः मानक माप वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे, अगर साइज हमारा स्मॉल से लार्ज के बीच में है तो हमारा जो बस्ट साइज और जो हमारा कमर का कूल्हे की जो परिधि की माप है उसमें जो डिफरेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। और वहीं पे अगर हमारा साइज लार्ज और से ऊपर है, मतलब लार्ज और एक्सेल या डबल एक्सेल में है, तो वो हमारा डिफरेंस कितने का होगा? 3 इंचेस का होगा। ये जो हमारा जब हम अक्षर माप प्रणाली का यूज़ करें, पहले वाले में हम न्यूमेरिकल माप प्रणाली का यूज़ कर रहे थे जिसमें हमारा डिफरेंस कितना था? 2.5, मतलब कि 0 से 10 के बीच में 2.5 का डिफरेंस था। और वहीं पे 10 से ऊपर साइज के में हमारा जो डिफरेंस आ रहा था बस्ट, वेस्ट और हिप सर्कमफेरेंस में, वो 1.5 इंचेस के था।
अक्षर माप प्रणाली में साइज की एक विस्तृत श्रृंखला का समावेश होता है। उसमें कैसे है, अगर सपोज एक्स्ट्रा स्मॉल है तो वो 0 to 2 होगा, अगर स्मॉल है वो 4 to 6 के बीच में होगा, अगर मीडियम है तो उसमें जो हमारी अक्षर माप प्रणाली है तो वो उसमें 8 to 10 का जो हमारा वर्गीकरण है वो आएगा, अगर लार्ज है तो अगर जहाँ पे हम लार्ज यूज़ करें, सपोज जहाँ पे हमारा मतलब कि अक्षर माप प्रणाली यूज़ कर रहे हैं तो वो जो हमारा साइज न्यूमेरिकल साइजिंग सिस्टम है वो 10 to 12 के बीच में जो हमारा परिधान का साइज होगा, जो हमारे गारमेंट का साइज होगा वो इसके बीच में होगा। एक्सेल में क्या होगा, 12 to 14 के बीच में होगा। तो जैसा कि इस चैप्टर में हमने डिफरेंट साइजिंग सिस्टम के बारे में बातचीत करी कि जब हम पैटर्न बनाते हैं और वो जो हमारे पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, और जो साइजिंग माप हमारी साइजिंग सिस्टम है वो भी हमारे 2 तरह का है, जिसमें कि हमारी अक्षर माप प्रणाली है और हमारी न्यूमेरिकल माप प्रणाली है जिसमें हम संख्यात्मक माप प्रणाली जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों का हम प्रयोग करते हैं, और ये जो दोनों सिस्टम हैं ये हमारे बाहर की कंट्री UK द्वारा और USA द्वारा प्रयोग की जाती है, और इसको हम इंडिया में अलग अलग कंपनी द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है और इनका समावेश अपनी ज़रूरत के अनुसार हम करते हैं। धन्यवाद।